मैं अपने महान सतगुरु जो शब्द रूप होके कण कण दे विच व्यापक है धन्यवाद करता हाँ, जवान नाल धन्यवाद अनेक बारी भी कर लगे फिर भी साड़ा जो मन है ये किसी होर पासे लग्या है, लेकिन सच्चा धन्यवाद उस महान गुरु का अंदर जाके ही कर सकते हैं। कबीर साहब ने कहा सीगा गुरु और गोबिंद, कोई सेवक अभ्यास करता सीगा गुरु और गोबिंद, वो प्रभु और गुरु स्वरूप जिसने कि शब्द नाम दे नाल जोड़िया सीगा, वो दोने आ गए। सेवक सोचता है कि मैं किस दे पैर पकड़ूं, ये इकट्ठे आए हैं और दोने हस्तियां पूजा दे काबल है, लेकिन अंदर यही फैसला होया कि मैं निमिष्कार बलिहार कुर्बान अपने गुरुदेव ते ही जाना है, क्योंकि अगरे गुरुदेव मैनू ना इस शब्द दे जोड़दा तो मैं परमात्मा नू देख ना सकदा, पा ना सकदा। सो इसलिए उसने महान इस गरीब आत्मा ते दया कीती, उसदे धन्नवादी हैं, उहदी दया नाल ही उहदी याद विच बैठे हैं। तो थोड़े अगे स्वामी जी महाराज का छोटा जा शब्द थोड़िया ही लाइना रखिया जांदिया हन। आप बड़े प्यार नाल संत मत नूं इस दे अंदर बोलते हैं, बयान करते हैं, क्योंकि संत महात्मा जाग दे पुरश हुंदे हैं, वो प्रभु दे प्यार विच जाग उठते हैं और संसार दे विच ना ऐसे अनुभवी पुरश कोई जात या धर्म बनाने वास्ते आते हैं, ना वो किसी खास मुल्क वास्ते आते हैं, ना किसी समाज का प्रचार ही करते हैं। वो सानू बड़े प्यार ना आके दसते हैं कि देखो प्यारे, परमात्मा एक समुंदर है, आत्मा उसकी लहर है, जो भी वस्तु असी लहर दे सपुरद करांगे उस समुद्र दी तह विच ही बैठ जाएगी। गुरु उस समुद्र दी एक लहर हुंदी है, आत्मा बूंद है, फर्क विछोड़े दा है, समुद्र भी पानी है, लहर भी पानी है, बूंद भी पानी है। उस संसार दे विच हमेशा ही आके दसदे है कि देखो प्यारियो, ये संसार उसका अपना ही परमात्मा का घर है, उस परमात्मा ने किसी दे कोई लेवल ला के नहीं भेजा कि ये इस जाति का है या मैं इस जाति नू मिलना है। ये जातां कौम मज समाज बड़े अच्छे समाजक सुधारा ने बनाया हन, ये साड़ी उन्नति वास्ते बनाई जांदियां हन, कि असी इन्हां दे विच रहिंदिया होया रहन सहन दे जो तरीके हन वो अपनाइए, किसी समाज दे जो निजम हुंदे हन वो बुरे नहीं हुंदे गे, सब दे अंदर स्वच्छ और पवित्रता ते जोर दिता हुंदा है, बरियाई तो हरेक समाज ही परहेज करवाउंदा है। एक साढ़े स्कूलों कालजां की तरह हम क्लासा की तरह हम संत महात्मा सानू दसते हैं पहली क्लास अपने थां है, दूसरी अपने थां है, तीसरी अपने थां है, हाई क्लास अपने थां है। ये नहीं कि हाई क्लास का विद्यार्थी पहली क्लास दे टीचर नू कोई बुरा कवे या उस क्लास नू बुरा कहे, नहीं, उसनू पता है कि मैं सारिया क्लासा के विचों गुजरिया होया हाँ, लंघिया होया हाँ, उस सब टीचर का जिन्होंने कि पढ़ाया हुंदा है धनवादी हुंदा है कि सब ने उस दे इल्म दे अंदर पढ़न दे अंदर मदद कीती हुंदी है। इस तरह संत महात्मा प्यार नाल दसदे है कि सानू भी जिन्हां समाजां दे अंदर
ਅਸੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕਿਰਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਭ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਨ ਜੁਗਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਸਾਧਨ ਸਿਮਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਹਾਤਮਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤੀਆਂ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਆਏ ਦੀਨਾ ਜਗ ਹੇਲਾ, ਜਾਗੋ ਰੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਜਾਗੋ। ਉਹ ਆ ਕੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਫਿਰ ਕੇ, ਹਰ ਮੁਲਕ 'ਚ ਫਿਰ ਕੇ, ਹਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਕੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਆਤਮਾ ਸੁੱਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਂਦੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਤਮਾ ਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਨਿਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਬ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣਾ, ਆਪਦੇ ਕਲਾਵੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਪਹਾੜ ਦੀ ਚੋਟੀ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅਗਨੀ ਕਹਾਂ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਧੂੰਆਂ ਕਹਾਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਜੋ ਮਹਾਨ ਆਤਮਾ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਾਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੜਫ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਖੁਦ ਵਸੀਲਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮਿਲਣ ਦਾ, ਜਾਂ ਖੁਦ ਕੋਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਸਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਾਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬੁਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਚਲਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਖੁਦ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਭੇਜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆ ਕੇ ਹੋਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਆਤਮਾ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਿਮਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਐਸਾ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਕਿਸੇ ਦੇ 10 ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ, 10 ਰਹਿ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਦੇ 20 ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ, 5 ਰਹਿ ਗਏ, ਜੋ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਆਖਰੀ ਵਕਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਵੈਕਲਪ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉੱਠਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਆਖਰੀ ਵਕਤ ਜੋ ਖਿਆਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਕੇ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਤਮਾ ਤਰਲੋਚਨ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਜੋ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਜੋ ਮੰਦਰ ਸਿਮਰੈ, ਐਸੀ ਚਿੰਤਾ ਮੈਂ ਜੇ ਮਰੈ, ਪ੍ਰੇਤ ਜੋਨ ਬਲਬਲਾ ਉਤਰੈ। ਉਹ ਪ੍ਰੇਤ ਬਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਮਹੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਤ ਦੀ ਜੂਨ ਬੜੀ ਹੀ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨੇ ਜਨਮ ਉੱਥੇ ਧਾਰਨ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰੇਤ ਪਿੰਜਰ ਮੇ ਕਸ਼ਟ ਕਨੇਰੇ, ਬੜੇ ਕਸ਼ਟ ਉੱਥੇ ਸਹਾਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹੈ। ਤੋ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਜੋ ਮਾਇਆ ਸਿਮਰੈ, ਜੋ ਮਾਇਆ ਦਾ ਭਗਤ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹੀ ਖਿਆਲ ਆਉਣਗੇ। ਤੋ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਰਪ ਜੋਨ ਬਲਬਲ ਉਤਰਾ, ਉਹ ਸਰਪ ਦੀ ਜੋਨ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਉੱਥੇ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੱਬੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚੌਂਕੀਦਾਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਆਦਮੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਤੜਫਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੈ। ਤੋ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਜੋ ਲਟਕੇ ਸਿਮਰੈ, ਸੂਕਰ ਜੋਨ ਬਲਬਲ ਉਤਰਾ। ਤੋ ਤਰਲੋਚਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਸੂਰ ਦੀ ਜੂਨ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰੀ
क्योंकि सूर दे बच्चे ज्यादा होंगे है, इस वास्ते वो आपकी इच्छा उस जगह पूरी करता है। अंत समय जो इसत्री सिमराय वेस्या जून बलबल उतरा, वो वेसवा दे जून अंदर बहुत मर्दा का संग करने वाली पैदा होंगी है। तो अंत समय जो नारायण सिमराय ऐसी चिंता में जो मरा, बद त्रिलोचन ते नर मुक्ता पीतंबर जाके हृदय वसाय, कहते वो मालिक के दरबार चला जाता है, परमात्मा प्रगट हो जाता है, गुरु प्रगट हो जाता है। तो संत सानू दसते हैं कि इन्हों सिमरन करन दी जन्मा जन्मात्रा तो आदत पई हुई है, जिस तरह पानी दी मारी खेती पानी से ही हरी हुंदी है। तो महात्मा साडी इस कमजोरी दा या इस आदत दा लाभ हटाउंदे होए लैंदे होए वो सानू एक अपना कमाया होया सिमरन दिंदे है। वो सिमरन किसी किताब या पोथी दे विचों नहीं सुनाउंदे गए, बल्कि जिस जिहड़ा उन्होंने अपनी जिंदगी च खुद कमाया हुंदा है, जिस दे पिछे उन्हां दा तप त्याग कम करदा है, चार्जिंग कम करदी है, वह सानू सिमरन दिंदे है। तो सब तो गृहस्थियां वास्ते बेशक होर भी कई साधन है, इन्हां नौ द्वारियां नूं शरीर दे निचले मत्थे तो हिस्से नूं खाली करन दे, लेकिन गृहस्थियां वास्ते वो कठिन साधन योगियां वाले प्राणायाम वगैरह करने बड़े मुश्किल है। गृहस्थी आदमी बड़ा आसानी दे नाल घर दे कारोबार करदा होया ड्यूटी निभाउंदा होया सिमरन कर सकता है। तो सिमरन दे जरिए सिमरन जो है दुनिया दे सिमरन नूं सिमरन कटदा है। जिन्हों याद करते हैं ध्यान भी आखिर उसे दा ही आउंदा है, तो ध्यान नूं ध्यान कटदा है। नौ द्वारे जब खाली कर लेने हैं शब्द प्रगट हो जाता है, वो सचखंड तो आता है, साड़ी आत्मा उस दे नाल जुड़ के बड़ी आसानी नाल गृह दियां जिम्मेवारियां निभाउंदी हुई वो मालिक दे दरबार पहुंच जाती है, जिथों के शुरू विचों आई सी। महात्मा ये नहीं कहिंदे कि थानू अगले जन्म प्रभु मिलेगा जां उस दा अनुभव होएगा, वो कहण लगे नहीं, तुसी ऐसे जन्म अंदर बड़े आसानी दे नाल कर सकदे हो। साडे सतगुरु कहिंदे हुंदे जो काम एक आदमी कर सकता है वो दूसरा भी कर सकता है। तो संत सतगुरु इस दे अंदर मदद करन वास्ते आउंदे है, सुती आत्मा नूं जगाउण वास्ते आउंदे है, सत्संग दे जरिए वो साडे अंदर बिरे तड़प पैदा करदे है, पवित्रता ते बड़ा जोर दिंदे है। क्योंकि जित अगर साडा मन पवित्र होएगा तो साडे ख्याल पवित्र होणगे, जितने साडे ख्याल पवित्र होणगे उतना साडा सिमरन भी अच्छा होएगा, उतनी साडी अंदर दी तरफ चढ़ाई ज्यादा होएगी। सो इस वास्ते थोड़े अगे स्वामी जी महाराज का छोटा जिहा शब्द रखा जाता है, गौर नाल सुनो। चेतावनी भाग दूसरा शब्द 19वां सार बचन पन्ना 125। सोता मन कस जागे पाई, सो उपाओ मैं करूं बखान। सोता मन कस जागे पाई, सो उपाओ मैं करूं बखान। तीरथ करे भारत बीराखे, विद्या पढ़ के हुए सुजान। स्वामी जी महाराज आम तौर पर जो असी समाजिक लोग क्रियाकर्म करते हैं रीति रिवाज करते हैं उन्हों का जिक्र करते हैं, क्योंकि आम तौर उत्ते असी नौन विच शनान करन दे विच मुक्ति समझते हाँ।
या पढ़ पढ़ाई विच मुक्ति समझते हाँ, दिन रात पढ़ना, कई कई रोज पढ़ना, इस विच असी मुक्ति समझते हाँ। और संतां दा अपना तजर्बा हुंदा है, उन्होंने खुद बड़े प्रेम प्यार नाल ऐसे रीति रिवाज कर्म कांड कीते हुंदे है। वो सानू कहिंदे है कि देखो प्यारियो, अगर नौ नाल मुक्ति हुंदी होवे, डड्डू मच्छियां उस पानी विच रोज रहिंदे है। कबीर साहब कहिंदे है, जल का मज्जन जेगत पावै, नित नित मेंढक नावै, जैसे मेंढक तैसे ओ नर, फिर जोनी आवै। कहिंदे कि मेंढक रोज नावै है, अगर वह मुक्त नहीं, बार बार उथे जन्म लैंदा है, उहदे विच जो साल तो या छे महीनिया तो या चार साल तो दस साल तो अगर डुबकी लाने हैं, तो किस तरह असी मुक्त हो सकते हैं। पानी चाहे अपना है, चाहे पराया है, चाहे नदी नाले का है, चाहे अच्छे किसी सरोवर का है, वो बदन की मैल ला सकता है। विद्या पढ़ने दे नाल साडे दिमाग अंदर खुलपना जरूर आ जाता है। इहदे नाल ना काम घटदा, ना क्रोध घटदा है, ना लोभ, ना मोह, ना हंकार घटदा है। साडे सतगुरु कहिंदे हुंदे सी पढ़े लिखिया नूं कि इहनां नूं दिमागी कुश्ती करन दा शौक पैदा हो जाता है, एक दूसरे ना बहस मासा करने का शौक हो जाता है। गुरु नानक कहिंदे है, पढ़िया मूर्ख आखी है जिस लभ लोभ हंकार, वो कहिंदे जे थोड़ा हंकार ना घटिया, जो पंजे बकार है इन्हे विच कोई भी ना घटिया, तो मूर्ख दा और पंडित दा की फर्क होया। कबीर साहब कहिंदे है, काम क्रोध लोभ मोह हंकार दी जब लग घटमे खान, क्या पंडित क्या मूर्खा दोने एक समान। अगर पढ़िया लिखिया बुरियाई करता है, काम का शिकार है, क्रोध का शिकार है, लोभ का शिकार है, कहन लगे पंडित और मूर्ख दे अंदर की फर्क होया। वो तो जो मूर्ख है, जो कोई अखर भी नहीं जानता बेचारा, वो भी कर रहा है, वो दोने एक समान है। तो आप प्यार ना कहिंदे है कि ऐसे कर्म असी सारे करे, तीर्थ भी करे, वरत कोई एक दिन का रखता है, कोई चार दिन का, कोई दो दिन का। और साडे मुसलमान भरा साल दे विचो एक महीने का रखते हैं, लेकिन संत महात्मा सानू प्यार ना कहिंदे है, इहदे नाल कई शरीरक फायदे तो हो जाते हैं, कम खाना संजम विच खाना, तो संत महात्मा कहिंदे है सब नो उच्चा संजम है, तुसी उतना खाना खाओ जितनी कि थानू जरूरत है। तो इस वास्ते स्वामी जी महाराज कहिंदे है, असी तीर्थ भी करे, वर्त भी रखे, पढ़ पढ़ाइया वाले नूं भी मिले, खुद भी करी, तो कहिंदे ये मन जिहड़ा सी ये जागया ना, बल्कि हंकार दे विच होर सौं गया जी। तीरथ करे भारत पीरा के, विद्या पढ़ के हुए सुजान, जप तप संयम बहु विद तारे, मोनी हुए निदान। आप कहंदे जप तप सब कुछ कीता, कई जन्मां च मोन भी धारण कीते, लेकिन मन दे अंदर हंकार होया कि मैनू इतने साल हो गए मोन रखे, 12 साल हो गए, मैनू जिंदगी विच कई मोनियां नू मिलन दा मौका मिलिया है, लेकिन मन शांत नहीं देखिया। महाराज सावन सिंह कहिंदे हुंदे सी, मूंह ना मंगिया, हथ ना मंग लिया,
तो बीमारी तो उही रही लैन देन दी। गुरु नानक कहते हैं मोनी होए बैठा दुती हिरदे कल्पन गाठा। जे हिरदा दुनिया के पदार्थों वास्ते मान बिड़ई वास्ते तड़फ रहा है मोनी होए का की फायदा है। भाई गुरदास जी कहते हैं अगर मोन धारण के नाल परमात्मा मिलता हुंदा तो बहुत सारे जानवर जिंदगी पर चुप ही रहिंदे है, गूंगे चुप ही रहिंदे है, उन्हां नूं मिल जाना चाहिदा सीगा। तो संत प्यार नाल कहिंदे है कि उतना संजम दा चुप करो क्योंकि इस दे भी कई गुण हुंदे है। लेकिन जिहड़ा असीं इह कहिंदे आ कि चुप करना परमात्मा मिल जाएगा यह साडा ख्याल स्वामी जी महाराज कहिंदे है इहदे विच कामयाब नहीं हुंदे गे। क्योंकि तप जो है मैं इहनूं अपनी जिंदगी दे विच ये करन दा कई साल मौका मिलिया है। बहुत सारे होर भी प्रेमियों ने देखे होने हैं आम तौर दे उत्ते पंजाब दे अंदर दसंबर का महीना जनवरी का काफ़ी ठंडे होंदे है उन्हां दिनां विच जल धारा किया जाता है। 100-125 फड़ा बड़ी पतली जी धार इत्थे सिर ते चोटी दे विच पवाउणी कई कई घंटे बैठना आराम अक्षर का जाप करना यह भी तप काफ़ी मुश्किल है। लेकिन इसका भी मौका मिलिया जिंदगी दे विच क्योंकि शौक जिसनू होवे प्रभु वास्ते उहदे वास्ते कोई भी कम कठिन नहीं हुंदा गा। तप मैनू कई साल मौका मिलिया आम तौर ते जून दे महीने जदके बहुत गर्मी हुंदी है ये 40 दिन अग्नि विच 12 बजे शुरू हुंदा है 4-5 घंटे लग जांदे है। इस विच भी राम अक्षर का जाप किया जाता है माला फेरी जाती है। इस दे अंदर कोई 10,000 माला फेरदा कई इससे ज़्यादा भी फेरते हैं आपो अपना यह हिसाब हुंदा है। जब मैं बाबा बिशन दास कोले तप करके गया वो बड़े प्यार नाल कहन लगे भी देख प्यारिया अग तो पहले ही अंदर बहुत जल रही है काम की अग है। अगर काम की अग हुंदी है तो कोले खड़ा इंसान नहीं दिसदा गा कामी बेशर्म हो जाता है। कबीर साहब कहते हैं क्रोध की अग है किस तरह दुनिया क्रोध के वस हो के एक दूसरे का गला कट्टण वास्ते तैयार हो जाते हैं। यह भी अंदर अग है लोभ की अग है। कहिंदे अंदर कई अगां जल रही हैं बाहर बदन साधन की की लोड़ है। दिल नू ख्याल आया कि मैं तो दिल विच बड़ा हंकार करदा सीगा कि मैं तप कीता है। लेकिन जिन्ना महात्मा का अनुभव खुलिया होया सीगा जो अंदर जांदे सीगे उन्होंने बड़े प्यार नाल समझाया कि बेटा चकोर अंगियार ही खांदा है तू तो बाहर ही अग से की है तो शांति अंदर है अंदर जाण नाल ही शांति मिलती है। तो इस वास्ते स्वामी जी महाराज कहिंदे है कि मैं एक कर्म भी कीते है। गुरु अर्जन देव जी भी महाराज आप दी पिछले जन्मां दी हिस्ट्री लिखते हैं पाठ पढ़ियो अर वेद विचार्यो निवल पोए अंगम साधे पंच जना सो संग न छुटके अधिक अह बुद्ध वादे प्यारे इन विद मिलन न जाई मैं किए कर्म अनेका मोन रहो कर पाती रहो नगन फिरो बन माही तट तीर्थ सब धरती परमेओ दुबदा छुटके नाही। हां भाई जप तप संजम बह बिद तारे मोनी हुए निधान अस उपाओ हम बहुत तक कीने
प्यार ना कहंदे है ये सारे अपाओ मन नु जगाउण दे कीते सन लेकिन मन फिर भी ना जगया क्योंकि बाहर ले जितने भी रीति रिवाज असी करदे हैं उहदे नाल हंकार आ जांदा है कि मैं इतना जप कर लिया मैं इतना तप कर लिया मैं इतने वर्त रख ले है मैं इतने तीर्थां ते फिर आया हाँ देखा जाता है खुद भी ऐसा असी कर दे रहे हैं। गुरु नानक कहते हैं तीर्थ वर्त अरदान कर मन में तरे गुमान नानक ने फल जात है ज्यों कुंचर इशनान। हाँ भाई आसे उपाओ हम बहुत कीने तो पी यह मन जगाना खोजत खोजत सत गुरु पाए उन यह जुगत कही परमान। साडे महान गुरु कहंदे हुंदे सीगे के भुखे नू प्यास भुखे नू रोटी प्यासे नू पानी कुदरत दा असूल है जरूर दिंदी है वो परमात्मा बेखबर नहीं हुंदा गा वो चींटी दी पकार नू बड़ा पहला सुन लेंदा है हाथी दी मगरों सुनदा है वो साडे अंदर है साडी तड़फ नू जानदा है राम च रोके बैठ के सबका चारा ले जां की जैसी चाकरी ताको तैसा दे उसनू पता है कि कौन मेरे वास्ते तड़फदा है वो किस जगह है उसका जरूर इंतजाम करता है। जे साडे दिल अंदर सच्ची खोज है बाबा जैमल सिंह कहंदे हुंदे सी अगर साडे दिल अंदर सच्ची खोज है अगर कोई पूरा महात्मा ना मिले हो जा रही है शरीर छुट जाए वो परमात्मा अगले जन्म दया करेगा जरूर पूरा गुरु मिलाएगा। परमात्मा बेखबर नहीं गा साड़ी तड़फ जरूर सुनता है वो अंदर बैठा है जिनी जिनी साड़ी आशा है जिनी जिनी साड़ी सच्ची फरियाद है प्यार है वो जरूर उस आस नूं मराद दिंदा है। सो इस वास्ते आप प्यार ना कहंदे है कि जद असी अपनी खोज जारी रखी तलाश जारी रखी कि परमात्मा है मैं उसनू मिलना है अगर साड़ी सच्ची खोज है सच्ची तड़फ है तो वह पूरे गुरु का अनुभवी पुरश का वह जरूर मिलाप करा दिंदा है। और जेड़े भी अनुभवी पुरश हुंदे है महान संत वह सानू बाहर किसी रीति रिवाज दे विच नहीं लाउंदे गे वह सानू सिमरन शब्द की कमाई दे विच ला दिंदे है जी। खोजत खोजत सत गुर पाए उन यह जुगत कही परमान सत संग करो संत को सेवो तन मन करो की कहंदे है कि सत्संग करो इस नूं समझण वास्ते बड़ी जरूरत है क्योंकि असीं मंदर अंदर जाने हैं गुरुद्वारां जाने हैं मसीतां जाने हैं उत्थे नेक ख्याल लेके जाने हैं उत्थे कोई बुरी हरकत नहीं करदे गे अगर असीं उत्थे बुरियां हरकतां करदे हाँ एक तो समाज वाले भी हमारी निंदा करते हैं कि देखो ये आया तो मंदिर अंदर है ये कितनी बुरी हरकत करता है दूसरा वो हाजरी प्रभु तो भी बेमुख है प्रभु भी मंजूर नहीं करता जैसा घरों जाता है वैसा आ जाता है बल्कि वो मैं ला के नहीं आता होर लाया आता है क्यों नहीं असीं उत्थे कोई बुरी हरकत कर देंगे सानू पता है कि धर्म की जगह है
ਇਹ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਮੰਦਿਰ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਆਦਮੀ ਜਾਂਦੇ ਦੇਖੀਦੇ ਹੈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਫੀ ਗਏ ਹੈ ਜੋ ਸਿਆਣਾ ਆਦਮੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਆਦਮੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਕਰਦਾ ਰਾਮ ਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵਾਰ ਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਸੇ ਸਿਮਰਨ ਆਇਆ ਉਹ ਵੀ ਆਪਦਾ ਸਿਮਰਨ ਉਸੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਦਾ ਹੈ ਅਕਸ਼ਰ ਦਾ ਉਹ ਜਾਪ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਘਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ऐसे आदमी ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਛੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਖੁਦ ਦਾ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਸਤਸੰਗ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਸਤਸੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਯਾਦ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਆਈਏ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਆਪਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਘਰ ਨੂੰ ਘਰੇ ਛੋੜ ਆਈਏ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਨਾ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਘਰ ਦੀ ਬਾਤ ਕਰੀਏ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੁਗਲੀ ਕਰੀਏ ਨਾ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰੀਏ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਭੈੜੇ ਖਿਆਲ ਇੱਥੇ ਉਠਾਈਏ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿਮਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਾਤ ਕਰੋ ਨਾ ਸੁਣੋ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਕਿਤਨਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਸਤਸੰਗ ਨਹੀਂ ਦੂਸਰੇ 'ਚ ਦੂਸਰੇ ਤੀਸਰੇ 'ਚ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਡਾ ਮਨ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸੌਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਜਾਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਇਹ ਮਨ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਅਗਰ ਐਸਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਕੋਈ ਮਹਾਜਨ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਕੋਈ ਖਾਸ ਮਹਿਮਾਨ ਘਰ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਜਾ ਨਾ ਸਕਿਆ ਡਿਊਟੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਨਾਗਾ ਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ ਆਪਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਉੱਥੇ ਕਥਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪੰਡਿਤ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਬਈ ਦੇਖੋ ਹਰ ਜੀਵ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਦਇਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਹਰੇਕ ਜੀਵ 'ਤੇ ਚਾਹੇ ਪਸ਼ੂ ਹੈ ਚਾਹੇ ਪੰਛੀ ਹੈ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਦਿਲ ਉੱਤੇ ਬੜੀ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਇਸ ਲਫ਼ਜ਼ ਦਾ ਘਰ ਆਇਆ ਦੁਕਾਨ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਪਿਆ ਸੀ ਗਊ ਆਈ ਉਸ ਨੂੰ ਖਾਣ ਲੱਗੀ ਉਸਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਕਾਫ਼ੀ ਕਿਰਾਇਆ ਵਗੈਰਾ ਆ ਰਿਹਾ ਆਮਦਨ ਹਮਾਰੇ ਕੋ ਕਾਫ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਗਰ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਖਾ ਲੇਗੀ ਕੀ ਘਾਟਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਇਤਨੇ ਨੂੰ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਾਣੀਆਂ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਬੜਾ ਖਫਾ ਹੋਇਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਦੇਖ ਬਈ ਅੰਨੇ ਦਿਆ ਨਿਆ ਤੈਨੂੰ ਕੁਛ ਦਿਸਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ ਗਊ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕਾਫ਼ੀ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਹੈ ਅਗਰ ਇਹ ਗਰੀਬ ਜਾਨਵਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਖਾ ਲਏਗਾ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ 30 ਸਾਲ ਦਾ ਉੱਥੇ ਮੰਦਰ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਥਾ ਸੁਣਦਾ ਹਾਂ ਅਗਰ ਮੈਂ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਕੜ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਅੱਜ ਨੂੰ ਘਰ ਉਜਾੜ ਦਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀਆਂ ਜੋ ਬਾਤਾਂ ਹਨ ਉੱਥੇ ਛੱਡੇ ਆਈ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪੱਲੇ ਬੰਨ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਈ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬਾਣੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਧੋਤੀ ਝਾੜ ਕੇ ਘਰੇ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਉਸ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਕਿਤਨਾ ਉਸ 'ਤੇ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਸੋ ਮਹਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਗਲਤੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਮੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਤਸੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਤਸੰਗ ਕਰੋ ਹਰ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਸਤਸੰਗ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਬਰਮਾਨੰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਸਤਸੰਗ 'ਤੇ ਜਗ ਸਾਰ ਸਾਧੋ ਸਤਸੰਗ ਜਗ ਸਾਰ ਰੇ ਕਾਸੀ ਨਾਏ ਮਥੁਰਾ ਨਾਏ ਨਾਏ ਹਰੀ ਦੁਆਰ ਰੇ ਚਾਰ ਤੀਰਥ
चार धाम तीर्थ कर आए, मन का नहीं सुधार रहे, मन का सुधार नहीं, क्योंकि मन अंदर अहंकार आ गया। मंदिर जाए करे नित पूजा, राखे बड़ा उचार रे, साधु जन की कदर न जाने, मिले न सृजन हार रे। तो इस वास्ते सारे संतां ने सत्संग दे उत्ते जोर दिता है। गुरु नानक कहिंदा है, मेरे माधो जी सत संगत मिले सो तरिया, गुर प्रसाद परम पद पाया, सूके काष्ट हरिया। जिस तरह साडा मन जन्मा जन्मात्रां दा सुत्ता होया है, हरा की इस दे अंदर चेतनता जाग पैंदी है, इस दी इहदे अंदर तड़फ जाग पैंदी है। तो आप कहण लगे के किस दा सत्संग करना है, किसे अनुभवी पुरश दा? हां भाई, सत संग करो संते को से तन मन करो कुर्बान, सत गुर शब्द सुनो गगना चढ़, चेतन गाओ अपना ज्ञान। संत महात्मा जो आज काम करना है वो कहते सुबह ही कर दियो। कबीर साहब कहते कल करन ता अब कर, अब करता सोय ताल, पाछे कछु न आग हो भी जे सिर पर आया खार। वो कहन लगे के तुसी सिमरन करके सत्संगी नू अखां आगे अखां दे पिछे जल्दी तो जल्दी आ जाना चाहिए है, क्योंकि कोई खास मुश्किल दी गल नहीं। सिमरन करना की मुश्किल है, सिमरन दी तां सानू आदत ही पई हुई है। यह जरूर है कि असी मुश्किल बनाया होया है, क्योंकि दुनिया का सिमरन असी छड़न वास्ते तैयार नहीं गए, इस वास्ते सिमरन की आदत नहीं पाते गए। तो स्वामी जी महाराज कहते हैं कि तुसी सिमरन दे जरिए नौ द्वारे खाली कर लो। नौ द्वारे दो अखां हैं, मूह है, दो नक दे सुवाख हन, हेठ दो इंद्रियां हन। कहन लगे इन्हां नूं तुसी जो इन्हां दे रस्तियां विधि सुराखां विधि साडी आत्मा दुनिया दे रसां विच जांदी है, इहनूं मोड़ो, सिमरन दे जरिए इन्हां दोनों अखां दे दरम्यान लियाओ। जिते कोई शब्द आ रहा है, शब्द नूं पकड़ के ही साड़ी आत्मा उस जगह जा सकती है जिथों शब्द आ रहा है। हाँ, साते गोए शब्द सुनो गगना चढ़, चेत ले गाओ अपना ज्ञान, जागत जागत अब मन जागा, झूठा लगा जहान। जो सिमरन करते हैं किस तरह पैरां दे अंदर चीटियां दी तरह दर्द हुंदा है, पहला साडे पैर सुन हुंदे है, गिट्टे कुलाइयां, इस तरह शरीर सुन हो जाता है। प्रेमी नूं हौसला हो जाता है कि मेरा सफर जो है शुरू हो गया है। आप कहन लगे हौली हौली असीं आपदे घर दी तरफ नेड़े होना शुरू हो जाने हैं। जागत जागत अब मन जागा, झूठा लगा जहान, जहान की जो भी जहान दे सी खट्टे मिठे रस लैन लगे हैं, विषय बकारा नूं असी उत्तम समझिया होया है, इन्हां रसां नूं असी पहल दित्ती हुई है, ये सारे झूठे लगते हैं। के फिके है आखिर जे असी नहीं छड़ांगे, शरीर छड़ देवेगा, शरीर जवाब दे जाएगा। भोगो रोग सो अंत भगोवै, आए जाए दुख पाएंदा। गुरु नानक साहब कहन लगे कि आखिर शरीर नकारा हो जाएगा, फिर छड़ने पै जांदे है। सूरमा वो है जड़ा
जवानी दे विच ही इधरों मुंह मोड़ लवे। कबीर साहब कहिंदे मन मूसा पिंगल पिया पी पारा हर नाम, लेकिन गल्लां दे नाल असीं इस मसले नूं इस मजबूर नूं हल नहीं कर सकते गे। जे कबूतर बिल्ली नूं वेख के अखां बंद कर लैंदा है तो बिल्ली दे पंजे तो बच नहीं सकदा गा, वो कुछ ही मिंटां बाद अपने आप नूं बिल्ली दे मूंह विच देखदा है। इस तरह जे असीं इस मसले नूं कहीए पड़ पड़ाई नाल असीं हल कर लांगे, ये नहीं हुंदा गा। ये जरूर है कि पढ़ते पढ़ते असीं रस जरूर माणांगे, थोड़ा बहुता दिल च ख्याल आएगा कि शायद असीं इहनूं काबू कर लांगे। स्वामी जी महाराज कहिंदे है समा पड़े पर होवत चोरा, जद वक्त आउंदा है अंदरे मन बैठा है वह मना लैंदा है, बीमारी भी अंदर है दवाई भी अंदर है। तो कहन लगे कबीर साहब कहिंदे जिस तरह मूसा पारा पी के हिल चल नहीं सकता, जागदा रहिंदा हरकत करता रहिंदा है, यही हालत मन दी हो जाती है। अगर इस नाम दी रस नाम दी लज्जे दे दईए। जागत जागत अब मन नानक नूं पुछिया जोगियां ने कि जी संसार विच केड़ा पंथ केड़ा समाज अच्छा है केड़ा उत्तम है, क्योंकि अजकल तो जोगियां दे पंथ भी गिने नहीं जाते, लेकिन उस वक्त 12 पंथ जोगियां दे मशहूर सन और सब दे नालों जो अपने आप नूं सब कहिंदे साडा पंथ ठीक है, लेकिन गुरु नानक ने बड़ा प्यार नाल जवाब दिता आई पंथी सगल जमाती मन जीते जगजीत। उही पंथ उही समाज अच्छा है जिस विच मन नूं जितण दी प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगर मन जित लिया तो दुनिया नूं बनाउण वाले नूं जित लिया, अगर मन दे मूहरे हथियार सट दिते। कबीर साहब कहिंदे है मन दे हारे हार है मन दे जीते जीत। अगर मन दे गए असीं हथियार सट दिंदे हैं तो साडी हार हो जाती है, अगर मन ते असीं फतेह हासिल कर लैंदे हैं तो जीत हो जाती है। सो इस वास्ते संत सानू दसदे है कि जो मन साडा दुश्मन अंदर बैठा जन्मा जन्मात्रा तो धोखा दिंदा रहा है, विशे बकारां नूं मिठे कह के इधर लाउंदा रहा है, अगर किसी ने किसी सर्प नूं पकड़ना है अगर उस नूं आपां किसी पटियारी अंदर बंद कर दईए उहदे अंदर गुस्सा ज्यादा होएगा, जब उहदी पटियारी च निकलण दा मौका मिलेगा वह जरूर डंग मारेगा और साडे अंदर जहर भर देवेगा खत्म कर देवेगा, कदे भी आपदी आदत तो बाज नहीं आउंदा गा। पढ़ पढ़ाई ना जप तप करना मन का वस करना इसी तरह ही है जिस तरह उस सर्प नूं पटियारी अंदर बंद कर देना है, लेकिन जिस तरह सपेरे लोग सर्प नूं पकड़ के खटियाई उहदे दंदां नूं लांदे है, जो सर्प है वह सदा वास्ते कटनों हट जाता है और वो डंग तो ही सदा वास्ते बच जाने हैं। सो संतां नूं इहदी कमजोरी का ज्ञान हुंदा है, सब तो पहला ही सोचना है कि जो मन है ये किस चीज़ ते आशक है, कित्थों दी इहदी पैदाइश है, तो ये लज्जत दा आशक है, ये भी अपने घर तों भटकिया होया है। तो दुनिया की सब तो उच्ची तो सुची लज्जत जो है वह शब्द की है नाम की है,
तो संत सानू दसदे आ कि मन नूं इहदे टिकाणे ते पहुंचा दिओ, ब्रह्म दी अंश है, ब्रह्म दे विच पहुंचा दिओ। जो मन जन्मा जन्मात्रा तों धोखा दिंदा है उह ही मन साडा दोस्त बन जांदा है, मदद करदा है। आत्मा इस दे पंजे तों आजाद होके अपने घर वापस सचखंड पहुंच जाती है, वह ब्रह्म विच जाके समा जांदा है। आत्मा सतलोक विच जाके समा जांदी है, दोने आपो अपने घर विच चले जाते हैं जी। मन की मदद मिली सूरत को, दोनों अपने महल समान, बिना शब्द ये मन नहीं जागे, स्वामी जी महाराज बड़े प्यार नाल दसदे है, शब्द नाम दी लज्जे तो बगैर तुहाडा मन कदे जाग नहीं सकदा गा, ना खुद ही भगती च लगे ना तुहानू लगन देवे। वो कहण लगे, बेशक जितने भी दुनिया के अंदर पढ़ पढ़ाउणा है, तीर्थां ते जाना है, वर्त रखने हैं, ये तो वह कहिंदे असीं खुद ही करके जिंदगी देखदे आए हैं, अगर कोई होर भी उपाउ तुसीं करना है तो कर सकते हो, लेकिन शब्द तो बगैर, नाम की कमाई तो बगैर तुसीं आपदे मन नूं काबू ही नहीं कर सकते गे, इनू टिकाने ते लिया ही नहीं सकते गे जी। बिना शब्द ये मन नहीं जागे, करो चाहे कोई अनेक विधान, यही उपाय शांत करेगा, और उपाय न कर परमान। स्वामी जी महाराज ने आपका तजर्बा दसिया है कि इस उपाय नाल मन वस आ जाता है, शब्द की कमाई, नाम की कमाई के नाल। तो आप कहन लगे, होर चीज का संतां दी बाणी विच कोई प्रमाण ही नहीं दिता जाता गा, किसी महात्मा की बाणी पढ़ के देख लो, उहदे अंदर शब्द का प्रचार है, नाम का प्रचार है, सत्संग का प्रचार है, पूरे गुरु दे उत्ते जोर दिता जाता है। बाकी जितनिया भी चीजा होंदिया हन, सब का महात्मा की बाणी अंदर खंडन किया होंदा है। संतां की बाणी बड़ी प्यारी होंदी है, मिठी हुंदी है, सत्संगी जो खास फायदा उठा जाते हैं, क्योंकि जब तक असी किसी संत सतगुरु तो नामदान प्राप्त नहीं करते गे, उतना चिर सानू भावें किसी महात्मा की बाणी दिन रात पढ़ते रहिए, सानू पता ही नहीं लगता गा कि महात्मा की बाणी की कहती है। जब सानू अंदर जाण दा भेद मिल जाता है, फिर बेशक किसी भी इलाके का महात्मा क्यों ना हो, जिसकी कि असी बोली समझ सकते हाँ, कोई मुश्किल नहीं, असी उस चो बड़ा फायदा उठा जाने हैं। सानू पता लगता है कि ये अंदर सत्संग ते जोर है, गुरु भगती ते जोर है, पूरे गुरु नू मिलने फायदे दसे जाते हैं। सो इस वास्ते संतां की बाणी अंदर बाहर मुखी कर्मकांड नू कोई जगह नहीं। गुरु अर्जन देव जी महाराज कहिंदे आ, सिमरत वेद पुराण पुकारन पोथियां, नाम बिना सब कूड़ गाली होछियां, नाम निधान अपार भगता मन वसै, दुख अंधेरा तै संतां संग नसै, मोहे बाद हंकार सिर पर रोनिया, सुख न पाए न मूल नाम शुनिया, मेरी मेरी तार बंधन बंधिया, नरक सुरग अवतार माया तंदिया, विसर नहीं दा तार अपना नाम देवो, गुण गावा दिन रात नानक चा ए हो। सो संता महात्मा ने नाम की महिमा गाई है, नाम का ही प्रचार किया है, नाम दे विचों महात्मा आउंदे है। सो इस वास्ते स्वामी जी महाराज भी कहिंदे है कि बगैर शब्द और नाम की कमाई तो मन साडा जागदा नहीं। इस वास्ते महात्मा
अपने सत्संग दे अंदर अपनी बाणियां दे अंदर होर किसी चीज का प्रमाण ही नहीं देंदे गे जी। यही उपाय शांति करे गाया और उपाय न कर परमान देर का बैस बितावी अपनी लगे न कभी ठिकान। कबीर साहब भी कहंदे आ लेखे में सोए कड़ी बाकी के दिन बाद कहंदे लेखे जी जिंदगी कद लगी हुई जब गुरु नाल मिलाप होया गुरु ने नाम दे नाल जोड़ दिता शब्द दे नाल जोड़ दिता। ये स्वामी जी महाराज कहंदे है जो सानू जेड़ी जिंदगी विच नाम तो बगैर लंघी है कहंदे वो साडी उम्र किसे लेखे विच नहीं। लेखे विच यही कड़ी है कि जब साडी शब्द दे नाल आत्मा जुड़ गई है गुरु नाल मिलाप हो गया है जी। बेरता बैस बेतावी अपनी लगे न कभी ठिकान संत बिना सब पाट की डोले बिना संत नहीं शब्द पिशान। आप प्यार ना कहंदे है कि महात्मा तो बगैर शब्द की पहचान नहीं क्योंकि वह शब्द वह नाम गौन बजाने वाला नहीं गा जिन्हों असी आम तौर पर शब्द समझते हैं वह शब्द ना लिखन चाहता है ना बोलन चाहता है ना पढ़ पढ़ाई में चाहता है वह बिना बोली भाषा है बिना लिखा कानून है वह नाम वह शब्द साढ़े अंदर है दिन रात वह तनकारा दे रहा है। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं शब्द धरती शब्द आकाश शब्द शब्द पिया प्रकाश सगली सेठ शब्द के पाशे नानक शब्द घटे घट आशे। वो कह लगे चंद्रमा सितारे धरती आकाश सब वो शब्द ने पैदा किए हैं वो हर एक दे घट अंदर है वो शब्द वो नाम संत महात्मा वो शब्द नाल जोड़न वास्ते आते हैं। इस वास्ते आप कहते हैं सब जब तक महात्मा नहीं मिलता गा असी भटकते फिरते हैं डोलते फिरते हैं। कुरुक्षेत्र वाले हरिद्वार में जाते हैं हरिद्वार वाले कटाक्षराज में जाते हैं एक एक आदमी अनेक जगह जगह च फिरता है क्यों फिरता भाई उन्हें शांति नहीं उन्हें किसी जगह भरोसा नहीं विश्वास नहीं दिता गया कि मैं तेरा जिम्मेवार हाँ। जब संत मिल जाते हैं वह जिम्मेवारी उठा लेंगे है नाम देना महाराज सावन सिंह कहते होंगे सी कोई गुड़िया का खेल नहीं नाम जिम्मेवारी होंगी है। साढ़े सतगुरु महान कृपाल महाराज कहते सके कि नाम एक तवजो होंगी है जो अनुभवी पुरुष ही दे सकता है। संत नाम दे के भूल नहीं जाते गुरु अभुल शक्ति होंगी है वो जब तक जीव न उस प्रभु दे अगे खड़ा ना कर देन भुल ना बख्शा देन कि ए तेरा जीव है ए भुल गया सी भुल बख्शाउण वास्ते आया है वो छोड़ दे नहीं। इस वास्ते आप प्यार ना कहंदे है जब तक संत नहीं मिलते गए असी भटकते हैं डोलते हैं बगैर संत तो असी कदे टिकाने ते नहीं पहुंच सकते गे जी। संत बिना सब पाट की डोले बिना संत नहीं शब्द पिशान शब्द शब्द में शब्द ही गाऊं तू भी सुरत लगा दे कान कर पावे चौरासी छूटे जन्म जन्म की होवे
सब पट के खान।